तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास बजाज की डिस्कवर 100 cc बाइक है और इस बाइक में इंजन साउंड की प्रॉब्लम। मैं सबसे पहले आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके और इस बाइक का साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं। तो पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को साउंड सुनाते हैं। तो अब बाइक को बंद करते हैं। आप लोगों ने साउंड सुना इसका कितना ज्यादा, इंजन जो साउंड बहुत ज्यादा कर रहा है, इंजन में खड़खड़ खड़खड़ बहुत ज्यादा आवाज है। आप लोगों को बहुत आवाज आ रही होगी, बहुत ज्यादा आवाज है। तो इस आवाज को हमको करना है बिल्कुल खत्म। खत्म कैसे करना है वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग वीडियो पे बने रहना और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पे जो हमारा टेंशनर लगा होता है, टाइमिंग चेन का टेंशनर, तो ये टेंशनर को हमको खोल लेना है। मैंने इसको पहले से लूज किया है, तो दोनों बोल्ट को खोल के मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमने टेंशनर को खोल लिया, दोनों बोल्ट हमारे खुल गए हैं और यहाँ से हम टेंशनर को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं और इसको इस तरीके से बैठना नहीं चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये बैठना नहीं चाहिए। यहाँ पे टेंशनर की बात करूँ तो यहाँ पे ये टूटा हुआ है। ये देखो, ये जो टेंशनर हमारा, ये आगे से टूट भी गया है। ये देखो, यहाँ से ये टूट गया, शायद इसमें वेल्डिंग वगैरह रही होगी पहले से, तो वही टूट के नीचे गिर गया है। बाकी इसमें वेल्डिंग ही थी शायद से। मैं इसको लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखो, ये टूटा हुआ है। ये देखो, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा और इसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा वो आप लोगों को बताएंगे। ये देखो, ये हमारा टेंशनर है, यहाँ से टूटा हुआ, इसमें वेल्डिंग थी इसलिए ये टूट गया है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी टाइमिंग चेन कैसे चेक करें। तो ये टेंशनर को हम वापस से लगाएंगे और ये इस तरीके से दबा के देखेंगे। ये देखो, बिल्कुल बैठ जा रहा है। तो इसकी जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन पूरी तरीके से खराब हो गई है। टेंशनर को ऐसा ही नहीं बैठना चाहिए, ये थोड़ा बाहर रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी टाइमिंग चेन करेंगे चेंज, क्योंकि टेंशनर नहीं बैठना चाहिए ऐसे। तो इसकी टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसका पूरा क्लच असेंबली खोलना पड़ेगा। ये हमको क्लच पूरा असेंबली खोलना है और इसका जो टापा है ऊपर वाला, हेड वाला, ये खोलना है और इसकी टंकी, सीट, पैनल सारा कुछ बाहर निकालना है। तो चलो पूरा क्लच खोलते हैं और उसके बाद इसकी टाइमिंग चेन कैसे निकालना है वो आप लोगों को बताते हैं। तो कंप्लीट हमने बाइक को पूरी खोल दिया, उसका जो हेड का टापा है, हेड का टापा भी हमने खोल दिया है और इसका जो क्लच है, क्लच भी हमने पूरा असेंबली खोल दिया। ये जो क्लच यहाँ पे लगा होता है, क्लच भी हमने खोल दिया पूरा कंप्लीट क्लच। और इसका अब ये वाली स्पॉकेट निकालते हैं, जो हमारी चैन लगी हुई है, टाइमिंग चैन निकालते हैं और टाइमिंग की स्पॉकेट निकालते हैं। कैसे खोलना है वो आप लोगों को बताते हैं। स्पॉकेट खोलने के लिए हमको यहाँ पे जो 18 mm का पाना लगाना पड़ेगा इस तरीके से क्रैंक वाले शाफ्ट में। ये देखो, यहाँ पे जो हमारा बोल्ट लगा होता है क्रैंक में, इसमें पाना लगा के और ये एलंकी यहाँ पे लगा के खोल लेना है। तो ये आराम से खुल जाएगी, आपकी जो स्पॉकेट है वो खुल जाएगी आराम से। नीचे 18 mm 19 mm का पाना लगा लेना है और ये एलंकी बोल्ट को इस तरीके से खोल लेना है। तो हमने एलंकी बोल्ट पहले ही लूज कर लिया था और अब हम इसका जो गाइड है, ये दो, ये वाली जो गाइड है इसको भी हमको खोलना पड़ेगा। एलंकी जो बोल्ट होता है उसको खोल लेना है और इसकी गाइड निकल जाएगी। अगर वो नहीं खोल रहे हैं तो हमारी जो चैन है, चैन नहीं निकलेगी। और अब हमारी यहाँ से स्पॉकेट को बाहर करते हैं, जो हमारी स्पॉकेट लगी इस पॉकेट को बाहर कर लेते हैं। तो हमारी इस पॉकेट निकल चुकी है, चैन उसी में छोड़ देना, जो टाइमिंग चैन उसी में छोड़ देना, इस पॉकेट निकाल लेना। अब इसके बाद आप लोगों को ये जो कैप लगा हुआ है, यहाँ पे एलंकी बोल्ट होता है, एलंकी बोल्ट लगा के और ये कैप को इस तरीके से निकाल लेना। ये देखो, एलंकी बोल्ट लूज कर लेना और कैप आप लोगों का निकल जाएगा। स्पार्क प्लग खोलना पड़ेगा आप लोगों को, स्पार्क प्लग खोलोगे उसके बाद एलंकी बोल्ट खोलना है और एलंकी बोल्ट खोल के वो कैप को खींच लेना, निकल जाएगी। अब इसकी जो टाइमिंग चैन निकाल लेते हैं और टाइमिंग पैड, जो मैंने इसीलिए बोल्ट खोल दिया था, अगर मैं टाइमिंग पैड का बोल्ट नहीं खोलता तो हमारी टाइमिंग चैन बाहर नहीं निकलती। तो इसीलिए मैंने इसका टाइमिंग चैन का पैड जो वो खोल दिया था, तो पैड जो वो बाहर चला गया और हमारी टाइमिंग चैन बिल्कुल आराम से निकल गई। तो हमारी टाइमिंग चैन निकल चुकी है, अब इसमें नई टाइमिंग चैन लगाते हैं। और ये जो सारा सामान है, यहाँ पे जितना भी सामान है, इसको क्लीन करना है हमको। तो पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद नई टाइमिंग चैन फिटिंग करते हैं। और अभी हमने सारा कुछ क्लीन कर लिया है, यहाँ का ये सब क्लीन कर लिया। यहाँ पे ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह जमी थी, ऑयल वगैरह सारा कुछ क्लीन कर लिया है। और अब इसकी हम टाइमिंग चैन आप लोगों को दिखाते हैं और इसकी टाइमिंग की प्राइस क्या है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमारी टाइमिंग चैन है, इसका पार्ट नंबर ये है,
ये देखो ये पार्ट नंबर है, और इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी ये है, ये देखो यहाँ पे 167 रुपये एमआरपी है, ओरिजिनल है ये, टाइमिंग चैन बिल्कुल ओरिजिनल है, जेनुअन है, बजाज की बिल्कुल जेनुअन है। और इसकी लिंक जो है 92 लिंक की है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 92 लिंक। तो अभी इसको हम फाड़ते हैं और लगाते हैं टाइमिंग चैन को, कैसे इसकी टाइमिंग वगैरह रखना है वो बताते हैं। तो ये हमारी टाइमिंग चैन ये रही नई, जो डिस्कवर 100 की है। तो अब इसको हम लगाते हैं, तो इसको लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको लगाने के लिए हमको सिंपल से यहाँ पे पिस्टन जो है टॉप पे लेना है, जो हमारा पिस्टन है, जो पिस्टन ये देखो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पिस्टन हमारा बिल्कुल टॉप पे है, ये देखो ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखो ये पिस्टन बिल्कुल टॉप पे है, ये देखो बिल्कुल टॉप पे। मैं उस साइड से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ उधर वाले प्लग से, तो यहाँ पे ये वाले प्लग से दिखाते हैं, ये देखो पिस्टन बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल टॉप पे पिस्टन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखो ये हमारा पिस्टन बिल्कुल टॉप पे। अब इसकी टाइमिंग चैन को करते हैं फिटिंग, और यहाँ से पिस्टन टॉप पे ले सकते हो, देखो एम बना हुआ है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है बोल्ट में, ये बोल्ट में एम लिखा हुआ है, एम को रखना इसके सामने, ये होल के सामने, तो आपका जो पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप पे रहेगा। एम को बिल्कुल होल के सामने रखोगे तो पिस्टन आपका टॉप पे बिल्कुल रहेगा। अब इसकी टाइमिंग चैन लगाते हैं, तो टाइमिंग चैन हमारी बैठ गई क्रैंक वाली गरारी में। अब इसका जो पैड का बोल्ट हमने खोला था यहाँ का एलंकी का, इसको लगा के करते हैं टाइट, और यहाँ का हमारा सारा कुछ फिटिंग हो चुका है, नीचे का टाइमिंग चैन भी बैठ गया। अब ऊपर का जो स्पॉकेट है, ऊपर वाली जो हमारी गरारी है उसको बैठाते हैं, उसको कैसे बैठाना है वो बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हमको ये बुश लगाना है इस जगह पे, यहाँ पे जो हमारा ये वाला यहाँ पे लगेगा इस जगह पे, तो इसको हम बैठा लेते हैं कि जो हमारी केम साफ्ट है, केम साफ्ट में ये बैठता है, और केम साफ्ट को इस तरीके से घूमना चाहिए, ये देखो ये घूम रही है, अगर नहीं घूम रही तो आप लोगों को घुमा लेना इसको, ये जो डॉट है ये डॉट को आप लोगों को बिल्कुल ऊपर रखना है जैसे कि मैंने रखा हुआ है। और अब इसकी टाइमिंग गरारी लेते हैं ये है, और इसको रखना कैसे वो बताते, इसको टी है जो टी को आप लोगों को बिल्कुल सामने रख देना है, इस तरीके से लगाना, मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद टाइमिंग इसकी हम फिटिंग कर देते हैं। तो इसको रखना है इस तरीके से, यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे इस तरीके से बस मैच करा देना है, ये देखो ये इस तरीके से मैच हो गई। तो अब हम इसकी टाइमिंग चैन जो है फंसा लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों को इसकी टाइमिंग वगैरह दिखाते हैं। और अब जो मैं इसकी टाइमिंग आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखो ये जो खाँचा है इसके सामने रखा, ये वाला खाँचा इसके सामने रखा, और जो हमारी टी है टी बिल्कुल टॉप पे रख दिया है, ये देखो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसकी टाइमिंग मिला लेना है, टी बिल्कुल टॉप पे, ये खाँचा इधर आ गया और वो खाँचा उधर, और टी बिल्कुल टॉप पे रखना। अब ये वाइसर कैसे लगाना है, ये वाइसर इस तरीके से नहीं लगाना है, ये वाइसर लगाना है हमको उल्टा करके इस तरीके से, इस तरीके से लगाओगे, अगर इस तरीके से नहीं लगा रहे हो उल्टा लगा दे रहे हो तो आपकी जो टाइमिंग है बहुत ज्यादा इंजन आवाज करने लगेगा। तो इसको लगाना है इस तरीके से, ये वाइसर में जो खाँचा वो अंदर की साइड में रख के लगाना है, और उसकी टी वगैरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इस पॉकेट की टी और हमारी जो टाइमिंग है वो कैसे मैच करना है। टी है बिल्कुल एकदम सामने रख देना है, और जो हमारे आइड साइड में दो खाँचे उसको हेड के करीब में रख देना है, और इस बोल्ट को करते हैं टाइट। तो ये बोल्ट हमारा हो गया टाइट, और ये वाइसर भी लग गया यहाँ पे पाने को फंसा के, इसको कर देना है टाइट। तो यहाँ पे हमारी टाइमिंग वगैरह मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है, और अब इसका जो है प्लग कैप लगाते हैं, ये वाला कैप जो हमने यहाँ से निकाला इसको कैप लगाते हैं, और इसके एलंकी बोल्ट को टाइट करते हैं। और अब हमको लगाना इसका टापा, जो हमारा हेड का टापा था ये वाले टापे को भी हमने क्लीन कर लिया था, बिल्कुल क्लीन है, और इसको अब लगा देते हैं, तो इसको फटाफट से फिटिंग करते हैं। तो हमारा टापा फिटिंग हो गया हेड का, अब इसके बाद इसका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग दोनों लगा के टाइट करते हैं। तो हमारे दोनों स्पार्क प्लग लग चुके हैं, अब इसका टाइमिंग टेंशनर नया लगाते हैं, और इसका कंप्लीट क्लच फिटिंग करते हैं। तो चलो पूरा क्लच फिटिंग कर लेते हैं, उसका टेंशनर नया लाते हैं, उसको लगाते हैं नया, और इसका क्लच हम कंप्लीट फिटिंग कर लेते हैं। तो कंप्लीट हमने इसका हेड का टापा फिटिंग कर दिया था, और इसकी टैंक हमने खाली फंसा दिया है, और इसका जो टाइमिंग टेंशनर है वो डालना है, इसका क्लच हमने कंप्लीट फिटिंग कर दिया है, क्लच भी फिटिंग कर दिया कंप्लीट, इसमें इंजन ऑयल नया डालना है अभी डालेंगे, और इसका टेंशनर जो है टेंशनर नया लाते हैं नया डालते हैं।
तो इसका टाइमिंग टेंशनर हम लगा रहे हैं, टाइमिंग टेंशनर लग गया हमारा। अब इसके बाद इसका जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल नया डाल देते हैं। इंजन ऑयल हम डाल रहे हैं इसमें कास्ट्रोल एक्टिव का इंजन ऑयल डाल रहे हैं, तो चलो इंजन ऑयल डाल लेते हैं। तो हमारी बाइक हो गई है कंप्लीट, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ हमने डाल दिया, बाइक हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को इस बाइक का, इस इंजन का साउंड सुनाते हैं, और आप लोग सुनना पहले इसमें कितनी ज़्यादा आवाज़ थी और अब कितनी है। तो इसका पेट्रोल वगैरह ऑन कर लेते हैं और मारते हैं बाइक में किक, और बाइक को करते हैं स्टार्ट, आप लोगों को साउंड सुनाते हैं इंजन का। सुनना आप लोग बहुत गौर से सुनना, इसका साउंड बहुत प्यारा साउंड निकलेगा। तो साउंड सुनो, साउंड बहुत प्यारा हो गया इस बाइक का, एक जरा सा भी इंजन आवाज नहीं कर रहा, बिल्कुल प्यारा और मस्त साउंड हो गया। पहले बहुत ज्यादा साउंड था, इतना ज्यादा साउंड था पहले जैसे इंजन चल रहा हो, और अभी वो साउंड बिल्कुल खत्म हो गया है। तो हमने इसकी टाइमिंग चैन और जो इसकी रॉकर वगैरह हमने सारा कुछ सेट किया था, क्योंकि माइलेज भी नहीं दे रही थी बाइक, तो इसकी टाइमिंग चैन भी हमने डाल दिया, टाइमिंग टेंशनर भी हमने डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया, तो इसकी इंजन की आवाज बिल्कुल खत्म हो गई। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।